अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फिफ्थ का फोर्थ टॉपिक, इनकरेजिंग एथिकल बिहेवियर। एथिकल बिहेवियर को किस तरह से इनकरेज किया जा सकता है, किन किन तरीकों से? सबसे पहले एम्प्लॉय सिलेक्शन आता है, देन कोड्स ऑफ एथिक्स एंड डिसीजन रूल्स, नेक्स्ट पे लीडरशिप, जॉब गोल्स एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, एथिक्स ट्रेनिंग्स, इंडिपेंडेंट सोशल ऑडिट्स और लास्ट में प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स। वन बाय वन देख लेते हैं इनको, इजी सा टॉपिक है ये। सबसे पहले एम्प्लॉय सिलेक्शन आता है कि अगर आपने अपनी जो कंपनी है उसका एथिकल बिहेवियर मेंटेन करना है या उसको इन्हेंस करना है, तो सबसे पहले एम्प्लॉय सिलेक्शन, लाइक जब आप एम्प्लॉय का इंटरव्यू लेते हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। आप एक ही इंटरव्यू में उसको सिलेक्ट ना कर लें, आप उसके बेशक रिपीट इंटरव्यूज रखें, या कोई अगर आपके पास कोई साइकेट्रिस्ट बैठ सकता है, या कोई भी अगर आप उसको खुद से जज कर सकते हैं उसके मूव से, उसकी बातों से, कि उसका एथिकल बिहेवियर का क्या लेवल है उसका। तो सबसे पहले तो यही आता है, सिलेक्शन प्रोसेस शुड बी टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी टू नो कैंडिडेट्स लेवल ऑफ मोरल, सॉरी मॉरल डेवलपमेंट, पर्सनल वैल्यूज, ईगो स्ट्रेंथ एंड लोकस ऑफ कंट्रोल। ये सब ये टॉपिक्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं। बट इवन दो टफ एंड केयरफुल सिलेक्शन क्राइटेरिया, कैंडिडेट्स विद क्वेश्चनेबल एथिक्स कैन बी हायर्ड। मतलब इंटरव्यू क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए होता है, तो एम्प्लॉयज अपने बिहेवियर को थोड़े से टाइम के लिए चेंज तो कर ही सकते हैं, तो इसलिए देर इज स्टिल अ चांस कि आप बहुत केयरफुली अगर किसी एम्प्लॉय को एनालाइज करें, उसकी मूव्स को, उसकी बातों को, कि हमने एक एथिकल बिहेवियर मतलब मॉरल, जिसकी मॉरल डेवलपमेंट हुई हो, पर्सनल वैल्यूज़ भी हों, तो किसी ऐसे एम्प्लॉय को हम हायर करें, तो इन द एंड हो सकता है देर इज़ अ चांस कि आप किसी रॉन्ग पर्सन को आप हायर कर लें। देर इज स्टिल अ चांस, क्योंकि इंटरव्यू कितना आप आधे घंटे का ले सकते हैं सिर्फ, आउट ऑफ 24 आवर्स अ डे, सो देर इज अ रिस्क। नेक्स्ट, कोड्स ऑफ एथिक्स एंड डिसीजन रूल्स। कंपनीज शुड हैव रिटन कोड्स ऑफ एथिक्स इन ऑर्डर टू अवॉइड द एम्बिग्विटी इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉयज इफ देर इज एनी। आपके पास रिटन में कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए कि अगर ये एक्शन हुआ, अगर एम्प्लॉय की तरफ से अगर ये प्रॉब्लम कॉज हुई, या अगर इस तरह का ट्रीटमेंट आया, अगर इस तरह से कोई रिस्पॉन्स आता है किसी कस्टमर की, किसी एम्प्लॉय की तरफ से, तो व्हाट लीगल एक्शंस और कोई भी मतलब आप क्या एक्शंस उसके अगेंस्ट, आप एम्प्लॉय के अगेंस्ट ले सकते हैं, या एम्प्लॉय को क्या कुछ फेस करना पड़ सकता है, या आपकी जो कंपनी है उसके क्या क्या कौन सी एथिकल वैल्यूज हैं जिनको आप फॉलो करते हैं। Researchers show that 97% of companies with more than 10,000 employees and among smaller companies nearly 93% have written code of ethics. Three categories हो सकती हैं कि content, उस content की जिस तरह से जिसमें आप जो code of conduct आपके ethics हैं उनको लिख सकते हैं। The first one is be a dependable organizational citizen. इसमें क्या कुछ आता है, illegal drugs and alcohol at work are prohibited. Second, manage personal finances well, कि आपके जो finances हैं उनको आप अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, ये ना हो कि आप उधार पकड़ रहे हो बाकियों से. Third पे, do not use abusive language. Abusive language use नहीं करनी है आपने. Follow instructions of supervisors. Last में, ड्रेस इन बिजनेस अटायर, मतलब ऐसे नहीं कि सोए उठे और आ गए। इट वेरीज, मतलब जॉब टू जॉब भी वेरी करता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे अगर आपकी कोई मैनेजरियल लाइफ की टाइप की जॉब है, बिजनेस में अकाउंट सेल्स, तो आपको बिजनेस अटायर में आना पड़ेगा, लेकिन ये आईटी वाले जो लोग हैं मतलब इस तरह से, तो वो जा सकते हैं, मतलब अक्सर ऑफिस में जीन्स अलाउ नहीं होती, लेकिन बहुत समय वो केयर नहीं करते, मतलब उनको जरूरत ही नहीं होती उसकी। आपको वेल ड्रेस तब रहना पड़ता है ना जब आपका ह्यूमन इंट्रैक्शन हो, तो आईटी वालों का कोई ह्यूमन इंट्रैक्शन नहीं होता किसी के साथ, इसलिए वो आ सकते हैं, जीन्स में भी आ सकते हैं, टी शर्ट्स में आ सकते हैं ऑफिस में।
लेकिन जो सेल्स वाले लोग हैं उनको आपने अक्सर देखा होगा, उन्होंने टाई वगैरह पहनी होगी, कोट पहना होगा, प्रेजेंटेबल से लग रहे होते हैं। नेक्स्ट, डू नॉट डू एनीथिंग अनलॉफुल और इम्प्रॉपर दैट विल हार्म द ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, ब्राइब्स आर प्रोहिबिटेड। आई डोंट नो ये क्यों पॉप अप हो रहा है आज, मैं इसलिए हाईलाइट नहीं कर पा रहा। ब्राइब्स आर प्रोहिबिटेड। सेकेंड, मेंटेन रिकॉर्ड्स कॉन्फिडेंशियली। आपने रिकॉर्ड कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप लैपटॉप यूज करते हैं, कंप्यूटर या कंप्यूटर यूज करते हैं ऑफिस में, तो आपने अगर अपनी सीट से उठना है तो उसको लॉक करके उठाएं, अदरवाइज जो अच्छी कंपनीज हैं वो आपको इस छोटी सी बात पे फायर कर देती हैं। डू नॉट यूज कंपनी प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज। कार्स, जो ऑफिस की प्रॉपर्टी है वो अपने पर्सनल इस्तेमाल में नहीं लेके आने। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस की गाड़ी है तो आप अपने काम से लेके चले जाएं। मेक डिसीजंस विदाउट रिगार्ड ऑफ पर्सनल बेनिफिट्स। अपने बेनिफिट से ऊपर जाके आपने कंपनी के बारे में सोचना है कि कंपनी के लिए क्या बेनिफिट है। डू नॉट प्रोपोगेट फॉल्स एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। ईजी है। बी गुड टू कस्टमर्स। कस्टमर से आपने अच्छी तरह से बात करनी है। कन्वे ट्रू क्लेम्स इन प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट्स। प्रोडक्ट्स की जो एडवर्टीजमेंट है उसमें जो आपने बातें बतानी है वो ठीक बतानी है, जिनको आप बाद में फुलफिल भी कर सकें। परफॉर्म असाइन ड्यूटीज विद द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज। प्रोवाइड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द हाइएस्ट क्वालिटी। सजेशंस फॉर मैनेजर्स आ जाती है नीचे। मैनेजर्स शुड रिवॉर्ड दोज एम्प्लॉयज हु एक्ट एथिकली। जो एक अच्छा काम करते हैं उनको आप रिवॉर्ड करें। ऑल मैनेजर्स शुड कॉन्टिन्यूली रीअफर्म द इम्पोर्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ एथिक्स। मतलब बार बार उनको याद करवाते रहें एम्प्लॉयज को कि आपके कोड ऑफ एथिक्स क्या हैं। मैनेजर्स शुड कम्युनिकेट एंड री इन्फोर्स द एथिक्स कोड रेगुलरली। वही बात है, एम्प्लॉयज को भूलने नहीं देना कि उनके लिए उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी। देन लीडरशिप आ जाता है। लीडरशिप में यह है कि जो मैनेजर करेगा वही जूनियर एम्प्लॉयज करेंगे। वही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। बिकॉज लो लेवल मैनेजर्स विल फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ टॉप मैनेजमेंट। इसलिए जो सीनियर्स हैं उनको वो काम करना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि वो जो काम करेंगे जो उनका जूनियर स्टाफ है वो उसी को फॉलो करेगा। टॉप मैनेजर्स को रूल सेट करने चाहिए। बाई गिविंग रिवॉर्ड टू एम्प्लॉयज, जो अच्छा काम करें उनको आप रिवॉर्ड करें, जो अच्छा काम नहीं करते उनको आप पनिश करें, ताकि एम्प्लॉयज को पता चल सके। जॉब गोल्स एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। जॉब गोल्स इतने रियलिस्टिक होने चाहिए कि एम्प्लॉय कोई गलत काम ना करे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है कि एक लॉ फर्म थी, उन्होंने कहा जी कि जो ज्यादा कम टाइम में ज्यादा रिटर्न फाइल करेगा या अपना टेबल खाली करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे रिसर्च हुई और उन्होंने देखा कि वो लोग अपनी जो रिटर्न्स उनके पास पड़ी होती थी उसका डाटा जो है ना वो फ्लैश आउट कर देते थे, ताकि ना डाटा कम होगा, काम कम करना पड़ेगा और जो एंड रिजल्ट है वो नंबर ऑफ रिटर्न्स वो ज़्यादा हो जाएंगी। देन एथिक्स ट्रेनिंग्स आ जाती हैं। सेमिनार्स, जो अच्छी कंपनीज हैं वो सेमिनार्स कंडक्ट करवाती हैं, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग करवाती हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं ताकि जो है वो आप सीख सकें। क्रिटिक्स सेज के जो इस तरह की ट्रेनिंग्स हैं वो यूजलेस हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एथिकल बिहेवियर है वो आपका बचपन से सेट हो जाता है, ये आपको सिखाया नहीं जा सकता। बट इन माई व्यू, मेरे मुताबिक ये जो ट्रेनिंग्स हैं ये हेल्पफुल होती हैं, आपको एटलीस्ट आपको सोचने का मौका मिलता है। आप सोचते हैं, आप उस पर अमल करते हैं। आपने अपनी जिंदगी में बहुत से लोग देखे होंगे, पहले मतलब उनका जो बिहेवियर है वो चेंज होते हैं, मैंने खुद देखा है विद द टाइम। इंडिपेंडेंट सोशल ऑडिट्स। सोशल ऑडिट्स करें मतलब कोई ग्रज रखे बगैर अपने माइंड में, ठीक है। और या आपकी अगर आपने अगर कोई टीम हायर की हुई है तो वो आपके लिए सोशल ऑडिट करें कंपनी का, और किसी पर्सनल ग्रज से ऊपर जा से आगे जाके आपको अच्छी रिपोर्ट दे कि आपकी कंपनी में क्या हो रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है, मतलब फेयर, बिल्कुल फेयर। ओके, और टॉप मैनेजमेंट की बैक उसकी होनी चाहिए। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म आ जाता है। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में यह है कि अगर कोई एम्प्लॉय किसी दूसरे एम्प्लॉय के बारे में आपको इन्फॉर्म करता है तो उसकी प्रोटेक्शन, मतलब उसको कोई वो ना हो कि उसको कोई हार्म करेगा। एम्प्लॉयज फेसिंग एथिकल डायलेमास नीड प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म सो दैट दे कैन डू राइट विदाउट फियरिंग ऑफ रेप्रिमेंड। यहाँ पे एंड होता है।